सिद्धार्थ पिठानी से लगातार आज पांचवें दिन भी सीबीआई पूछताछ कर रही है और जिस तरह पूछताछ चल रही है उसे देखकर ये लग रहा है कि जल्द ही सुशांत केस के बारे में सिद्धार्थ, दीपेश और नीरज सभी राज उगलने वाले हैं। पर सिद्धार्थ ने 14 जून को क्या हुआ था इसकी पूरी कहानी सीबीआई को बताई है। सिद्धार्थ ने सीबीआई को बताया कि 14 जून की सुबह 10-10:30 बजे के बीच मैं हॉल में अपना काम कर रहा था और 10:30 बजे के करीब केशव ने मुझसे कहा कि सुशांत सर दरवाजा नहीं खोल रहे। मैं दीपेश को बुलाया और हम दोनों ने जाकर दरवाजा खटखटाया, लेकिन सुशांत ने दरवाजा नहीं खोला। तभी मुझे मीतू दीदी का फोन आया और उन्होंने कहा कि मैंने सुशांत को फोन किया लेकिन वो फोन उठा नहीं रहा। हमने उन्हें बताया कि हम भी कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो दरवाजा नहीं खोल रहा। मैंने मीतू दीदी को घर बुलाया। मैंने वॉचमैन से कहकर चाबी वाले को बुलाने को कहा लेकिन वॉचमैन ने ठीक से मदद नहीं की। फिर मैंने गूगल से रफीक चाबी वाले का नंबर निकाल कर 1:06 पर कॉल किया। उसने मुझसे 2000 रुपए मांगे। रफीक के कहने पर मैंने उसे लॉक का फोटो और घर का पता भेजा। 1:20 पर रफीक अपने एक साथी के साथ वहां पहुंचा। उसने लॉक देखकर चाबी नहीं बनाने की बात कही तो मैंने उसे लॉक तोड़ने के लिए कहा। रफीक ने लॉक तोड़ा और मैंने उसे पैसे देकर जाने के लिए कहा। फिर मैं और दीपेश कमरे में गए। वहाँ बहुत अंधेरा था। दीपेश ने लाइट जलाई तो हमने सुशांत को हरे रंग के कपड़े से पंखे पर लटका पाया। मैंने मीतू दीदी को ये सब बताया। सिद्धार्थ ने आगे बताया कि इसके बाद चंडीगढ़ से नीतू दीदी का कॉल आया और मैंने उन्हें सब बताया। फोन पर पीछे से सुशांत के जीजा ओपी सिंह की आवाज आई कि सुशांत को नीचे उतार दो। नीतू दीदी ने भी यही कहा। फिर मैंने नीरज से चाकू लाने को कहा। मैंने चाकू से कपड़े को काटा और फिर सुशांत को नीचे बेड पर लेटा दिया। उसी समय मीतू दीदी वहां पहुंच गई। हमने फिर सुशांत के गले में जो कपड़ा था उसे हटाया और उसे सीपीआर देने की कोशिश की लेकिन कुछ नहीं हुआ। इसके बाद मुंबई पुलिस वहां पहुंच गई। सिद्धार्थ ने इस बयान में 3 बातें बदली हैं। पहले कि उसने रफीक को गूगल करके बुलाया, बल्कि उसने पहले ये कहा था कि उसने अपने एक दोस्त को कॉल करके रफीक का नंबर लिया और फिर रफीक को कॉल किया। इसके बाद उसने बताया था कि रफीक अकेले आया है, लेकिन अब सीबीआई को दिए हुए बयान में ये बोल रहा है कि रफीक के साथ उसका एक साथी भी आया था। इसके बाद उन्होंने ये कहा था कि उन्होंने 12 बजे चाबी वाले यानी कि रफीक को कॉल की थी, पर सीबीआई को दिए हुए बयान में उसने टाइम 1 बजे का दिया है। इसी के साथ सिद्धार्थ ने ये नहीं बताया कि रफीक मुंबई में कहाँ रहता है, जो वो सुशांत के घर 10-15 मिनट में आ गया। वहीं अभी तो ये शुरुआत है सीबीआई जांच की। अभी जब रिया और उसके परिवार वालों को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा तब तो कई और झूठे बयानों से पर्दा उठेगा और सुशांत के इस दुनिया को छोड़ने का सच सभी के सामने आएगा। इसी तरह की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट।